दोस्तों बेल बॉटम फिल्म को लेकर सभी एक्साइटेड है। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 19 अगस्त 2021 को, बहुत ही कम दिन बाकी है। लेकिन स्क्रीन काउंट का क्या, ये सवाल अगर आपके मन में होगा तो इस वीडियो पे उसके बारे में ही बात होगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, जहां पे आपको फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स मैं दे रहा हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेल बॉटम फिल्म का स्क्रीन काउंट कितना हो सकता है, ये सवाल सबके मन में है फिलहाल दोस्तों। और इसका स्क्रीन काउंट बाकी अक्षय कुमार की फिल्म से काफी कम होगा, ये आपको पता है, हमको भी पता है। स्क्रीन ज्यादा मिलने पर भी ऑक्युपेंसी वैसे भी 50% ही है। इसके अलावा ज्यादातर जो जहां पे चार शोज होते थे वहां पे तीन शोज ही चलने वाले, ये भी आपको पता है। तो स्क्रीन्स अगर ज्यादा होगी भी तो भी शोज ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि चार की जगह अगर तीन शोज हो रहे हैं एवरेज इस दौरान, तो समझ जाइए ना, एक एक शोज है ना, हर एक स्क्रीन पे कम हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और फिलहाल सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि डेढ़ साल बाद कोई सिनेमा थिएटर हिम्मत करके इसलिए भी खोलने से थिएटर्स डर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चल मैंने खोल दिया अक्षय कुमार के बोलने पर, उनके कूदने फादने पर, उनके एक्शन पर, उनकी बेल बॉटम फिल्म के लिए हमने थिएटर खोल दिया। फिल्म एक हफ्ता चलेगी, दो हफ्ता चलेगी, उसके बाद क्या? अगस्त महीना खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या? हमको कौन सपोर्ट कर रहा है? आप कहोगे चेहरे फिल्म तो है ना, चेहरे फिल्म से तो अच्छे खासी कमाई कर लेंगे। तो भाई चेहरे फिल्म क्राउड पुलर फिल्म नहीं है, पहले बात आप मान के चलिए, चलेगी नो डाउट, बट उस तरह से नहीं चलेगी जिस तरह से ऑडियंस चाहती है। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एक ऐसी फिल्म है जो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा सकती है, थिएटर्स को वापस से रिवाइव कर सकती है, लेकिन वापस से एक ही बात आती है कि उसे किस तरह की ऑडियंस देखेगी। उसे ज्यादातर मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंस देखेगी, लेकिन फिर भी सिंगल स्क्रीन की तो वाट लगी ही हुई है ना, राइट? यानी कहा जाए तो सितंबर महीने में कोई बड़ी रिलीज नहीं है, और ऑलरेडी कई सारे लोगों ने पायरेटेड मीडियम से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को देख लिया है। तो यानी कि सितंबर महीना पूरा खाली है, और कोई फिल्म ने अभी तक अनाउंस भी नहीं हुई अक्टूबर के लिए, यानी कि सिर्फ बेल बॉटम के लिए थिएटर खोलना, क्योंकि वही एक बड़ी फिल्म जिससे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है, उसके बाद फिर से थिएटर बंद करना महीने भर, ये कहीं से सही चीज या सही डील नहीं लग रही है, और इसीलिए बहुत सारे थिएटर्स इसलिए भी नहीं खुले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सितंबर में फिल्मों का रिलीज होना तय नहीं है, और स्पेशली ज्यादातर जो फिल्में हैं वो अगले साल के लिए भाग रही है, चाहे केजीएफ चैप्टर 2 हो, चाहे आरआरआर हो, ये सभी फिल्में ना नवंबर से पहले नहीं आने वाली है, ये आप मान के चलिए। और यहाँ पर अगर बात करें बेल बॉटम की, इसके स्क्रीन काउंट की, तो इसे 2000 से कम ही स्क्रीन मिलने वाले है, और अगर बहुत सही हुआ, बहुत ही अगर सब सही रहा, तो मान के चलिएगा कि इसको कम से कम 1400 से 1500 स्क्रीन मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी इस सिनारियों में। अदरवाइज 1400 से 1500 स्क्रीन मिलना भी काफी मुश्किल लग रहा है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है इतना तो ये फिल्म कर ही लेगी। तो यहाँ पे मैं वापस से आपको कहने वाला हूँ, सिचुएशन दोस्तों बहुत कठिन है। यहाँ पर रूही आई थी, सत्यमेव जयते आई थी सेकेंड कोरोना वायरस वेव के पहले थोड़ा, उस फिल्म ने का भी अगर आप सिचुएशन देखो तो वो फिल्म अच्छी थी या कंटेंट उसका अच्छा था, इसलिए वो चली, सही है। यानी कि प्रमोशंस कितना भी करे कुछ ज्यादा काम में नहीं आ रहा, और शायद इसलिए अक्षय कुमार फिलहाल लंदन चले गए हैं, वहां पर फिलहाल चिल आउट करे, कि उनको पता है कि कुछ मतलब नहीं है इस सिनारियो में। यार दिल्ली में जाके ट्रेलर लॉन्च किया, बार बार दिल्ली जाके थोड़ी प्रमोशन करेंगे, और इस फिल्म का प्रीमियर वगैरह कहीं रखने वाले है ही नहीं, मुंबई में तो होगा ही नहीं नॉर्मली जिसे होता था। पहले क्या होता था, एक दिन पहले लोग थिएटर्स में या मीडिया के प्रीमियर रखा है, अभी कुछ नहीं है। अगर मुंबई में जाते मीडिया तो जाओ, कहीं बाहर जाके देखना पड़ेगा उनको, बहुत सिचुएशन खराब है दोस्तों। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा स्क्रीन काउंट मिलता है महाराष्ट्र में, जिसकी महाराष्ट्र का मुंबई और पुणे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और उसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली खुला है लेकिन महाराष्ट्र और पुणे नहीं खुला, तो काफी हद तक स्क्रीन काउंट हमारे यही दब जाते हैं, काफी हद तक प्रॉफिट हमारे यही दब जाते हैं। तो कम से कम 400 से 500 बस स्टिल 200 से 300 स्क्रीन्स का एक नुकसान महाराष्ट्र थिएटर्स ना खुलने की वजह से इस फिल्म को होगा, और इस फिल्म को 1400 से 1500 स्क्रीन्स भी मिले तो
तो तालियां बजाइएगा और कोशिश यही सोचिएगा कि ये अच्छी खासी स्क्रीन काउंट है, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन बहुत ही टेंस है दोस्तों, और ये इतनी टेंस है मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बेल बॉटम फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कलेक्शंस, क्योंकि जिस सिचुएशन में फिल्म आ रही है वो ऐसी हालत में आई कि जब इंसान बस डूब ही जाएगा पानी में, ऐसा ऐसा उसका इधर तक पानी आ गया, इधर तक गले तक, तो इस सिचुएशन में फिल्म आ रही है, तो इसलिए कलेक्शन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। और इस माहौल में भी अगर फिल्म अच्छा कमाती है या रीजनेबल कमाती है तो आप ताली बजा के सपोर्ट करिएगा, ना कि उसको पिन पॉइंट करके, क्योंकि अकेला अक्षय कुमार एक ऐसा एक्टर है जिसने पूरे इंडिया में दम रखा है कि अपनी फिल्म को अगस्त में रिलीज करने का। बहुत सारे लोग बोलते थे साउथ वाली फिल्म अनाउंस हो रही है, बॉलीवुड वाले अनाउंस भी नहीं करे, भाई यहाँ पे तो अक्षय कुमार ने फिल्म रिलीज करके बता दिया है 19 तारीख को आ रही है, साउथ वाले किधर रिलीज करे बताओ, कौन सी बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म भी नहीं आ रही है। तो ये है अक्षय कुमार, इसको कम मत समझिएगा और लेट्स होप सब बेस्ट हो। लेकिन स्क्रीन काउंट के हिसाब से मुझे लगता है 1400 से 1500 से ज्यादा स्क्रीन नहीं मिलने वाली है, दिस इज वॉट सिचुएशन इज लाइक, और इससे ज्यादा कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा लगा हो, बट मुझे लगा ये सब चीज आपको बताना जरूरी है, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट चीजें मत करिए इस फिल्म से, बस यही उम्मीद करिए कि फिल्म में जो एंटरटेनमेंट प्रॉमिस किया जा रहा है, जो एक्शन प्रॉमिस किया जा रहा है वो हो, और इस फिल्म को अच्छे खासे रिव्यूज मिले, बस इससे ज्यादा हम इस फिल्म से और आप भी मत उम्मीद करिएगा। चलिए फिल्म कितनी, बाय बाय।